हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने जियो फ़ोन में से किस तरह से डिलीट किए हुए कॉल लॉक्स को वापस देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, देखिए आप मेरे मोबाइल में देख लीजिए, नो कॉल रिकॉर्डेड। पर मेरा फ़ोन कोई नया नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी सारे कॉल्स आ चुके, पर मैंने इसकी कॉल हिस्ट्री को इरेज कर दिया। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने यहाँ जितने भी कॉल्स की हिस्ट्री थी उसको वापस कैसे ला सकते हैं। खैर इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी का मिस कॉल आया था और वो ज़रूरी था, बट आपने गलती से कॉल हिस्ट्री को इरेज कर दिया है और अब आपके पास उसका नंबर नहीं है, या फिर काफ़ी सारी वजह हो सकती है कि आप जानना चाहते हैं कि आपके जो घर के यूज़र्स हैं कि वो आपके फ़ोन से किसी को कॉल कर रहे हैं, आपके नहीं रहते हुए कुछ आपके फ़ोन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं कि नहीं। तो ये आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है। और अगर आपने फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब आवर चैनल। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे एक अपकमिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हम इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए आगे ला सके। और अगर मैं आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस की जियो फ़ोन में किस तरह से कॉल रिकॉर्ड्स कर सकते हो, जियो फ़ोन में किस तरह से कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, और जियो फ़ोन में किस तरह से ऑडियो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं देखी है, तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियोस भी देख लीजिए। वो वीडियोस काफ़ी अच्छी है। वैसे तो जियो फ़ोन में किस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो उसका भी हमने सिर्फ पार्ट वन बनाया, उसका पार्ट टू भी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। अगर आप किसी कारणवश वो वीडियोज़ को हमारे चैनल पर जाकर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं उन तीनों वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से सीधा देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरुआत करते हैं। और मैं बिल्कुल भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको सीधा बता दूँगा। क्योंकि देखिए कि जब भी कोई किसी को कॉल करता है और नहीं बताना चाहता है कि भाई मैंने वो कॉल करा था, तो वो क्या करता है, सीधे कॉल लॉग इरेज कर देता है। अब इसमें तो कोई तरीका होता ही नहीं कि कुछ बैकअप। ऐसे तो अगर आपके पास जियो क्लाउड है कर रखा था पहले से इंस्टॉल, तो बात अलग है। पर अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना नेट चालू करना है और सीधे जाना है अपने माई जियो ऐप में। और एक बार ये माई जियो ऐप स्टार्ट हो जाए, ठीक है गाइस, अभी ये स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो हम जब तक वेट करते हैं तब तक ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टार्ट होने में लगाते ही इतना टाइम है, बट अभी ये जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आप सब जानते ही होंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, देखिए मेन्यू का आपको यहाँ साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए और आपको सिर्फ आना है अपने यूसेज पे। जैसे ही आप यूसेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ देख लेंगे डाटा, और इसके साइड में दिख जाएगा आप कॉल्स। तो बस एक बार साइड करने का, आप इसे एक बार में साइड कर लीजिए, ये लोड हो रहा है, लोड हो चुका है। तो ये मेरा डाटा यूसेज बता रहा है, जैसे मैं इसको कॉल्स पे लाऊंगा तो मेरे सारे कॉल्स बताने लग जाएगा, और जब मैं इसको साइड में करूंगा तो मुझे अपने सारे SMS के बारे में भी बताने लग जाएगा। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी जो कॉल हिस्ट्री है यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, पूरी कॉल हिस्ट्री सेव हो जाती है। अगर आप वहाँ से कॉल लॉग्स डिलीट भी कर दें, जब भी माई जियो ऐप में सारी कॉल हिस्ट्री सेव्ड होती है। तो ठीक है गाइस, इस तरह से आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि आपकी कॉल लॉग्स में क्या था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक कर और इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि किस तरह वो अपने जियो फ़ोन में कॉल लॉक्स को वापस पा सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।